बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वाधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन कक्षा 1 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित शैक्षिक प्रसारण होगा, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक प्रसारण होगा तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में विज्ञान विषय में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, भाग 1। हिंदी विषय में पर्यायवाची शब्द, भाग 1। व कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय में ग्रामर, एक्टिव पैसिव वॉइस। स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं हैं, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखो बच्चों, हमारे किचन के अंदर, हमारे घर के अंदर बहुत सी चीज़ें पड़ी होती है, रखी होती है, उनको हम मिक्स कर लेते हैं, आपस में मिला लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। जैसे आपने चीनी, नमक, पानी सब एक जगह मिक्स कर लिया तो वो मिश्रण बन गया, ठीक है। अब साइंस की भाषा में, अगर साइंस की लैंग्वेज में अगर आपसे कोई पूछ ले कि मिश्रण क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि जब एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हो, चाहे मात्रा निश्चित है कि चाहे मात्रा अनिश्चित है, क्या कहलाते हैं? अपने मिश्रण कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? आपने 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक ले लिया, उसको मिक्स कर लिया तो भी वो मिश्रण है। आपने 10 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक लिया है, उसको मिक्स किया है तो भी वो मिश्रण बनेगा। बात क्लियर है? ठीक है। तो मिश्रण किसे कहते हैं कि जब एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में क्या हो, आपस में मिले हुए हो, तो क्या कहलाएंगे? मिश्रण। अब जो अपने मिश्रण है, ये मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो है अपने समांगी मिश्रण और दूसरा अपने है विषमांगी मिश्रण। क्लियर है? 2 प्रकार के मिश्रण है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब देखो बच्चों, आखिर समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण होते क्या है? तो जब हम मिश्रण बना रहे हैं, ठीक है, तो जब हम मिश्रण बना रहे हैं, मिश्रण के सारे पदार्थ अगर हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं तो बच्चों वो कहलाएगा आपके समांगी मिश्रण। कैसे? जैसे हमने एक गिलास पानी लिया, उस पानी के अंदर 1 चम्मच नमक मिक्स कर दिया। अब क्या आपको वो नमक दिखाई देगा? ये हमने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, इसके अंदर हमने नमक मिक्स कर दिया है, तो क्या आपको दिखाई देगा कि अरे ये तो नमक का अणु है और ये पानी का अणु है? पहचान सकते हैं? नहीं ना, पूरा मिक्स है, हम अलग अलग नहीं पहचान सकते कि इसके अंदर नमक मिक्स है, चीनी मिक्स है कि क्या मिक्स है, ठीक है, देख के नहीं बता सकते हैं। तो ऐसा मिश्रण कहलाएगा अपने समांगी मिश्रण, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट, इसका उल्टा होता है विषमांगी मिश्रण। मतलब ऐसा मिश्रण जिसके अंदर उपस्थित सभी पदार्थों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे मैंने एक ग्लास लिया है, उस ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, इस पानी में कंकड़ पत्थर डाले हुए हैं या रेत डाली हुई है, तो आप पहचान जाओगे, देखो ये तो पानी है, इसके अंदर रेत मिक्स है या इसके अंदर पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हम आंखों से देख के पहचान सकते हैं, जबकि ये हम आंखों से नहीं देख के पहचान सकते कि इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है। तो ये एक तो कहलाएगा विषमांगी, जो आंखों से पहचाना जा सके, देखा जा सके, और जो नहीं पहचाना जा सके वो क्या कहलाएगा बच्चों? अपने समांगी मिश्रण कहलाएगा। क्लियर है? अब देखो आगे हम पढ़ते हैं विलयन। अब विलयन क्या होता है? विलयन भी जो एक प्रकार का मिश्रण ही है, लेकिन ये कैसा मिश्रण है? ये समांगी मिश्रण है, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही बच्चों हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। देखो हमने एक चीनी चीनी ली, एक चीनी नहीं चीनी ली और उसको पानी में विलय कर दिया, ठीक है। मतलब हमने एक ग्लास के अंदर पानी है, उस पानी के अंदर चीनी मिक्स कर दी, तो ये जो अब मिश्रण बना, ये मिश्रण ही क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा बच्चों, ठीक है। अब जो विलयन है, ये दो चीजों से मिलके बना होता है। मतलब विलयन के अंदर देखो दो चीजें आ गई, एक तो चीनी है, एक पानी है,
ठीक है, तो अलग अलग विलियन बनेंगे तो हम अलग अलग नाम बोलेंगे, इसलिए हम एक नाम ले लेते हैं। ठीक है, विलियन के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है विलय, क्या होता है विलय, एक होता है विलायक। ठीक है, अब देखो बच्चों विलायक क्या होता है, विलायक वह पदार्थ है जिसके अंदर विलय घोला जाता है, या आप ये कह सकते हो कि जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में ज्यादा होती है वो विलायक होता है, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, विलायक। अब मुझे ये बताओ कि हमने ये ग्लास लिया, इसमें पानी है, इसमें एक चम्मच चीनी मिक्स कर दी, विलायक कौन है, पानी या चीनी? पानी है ना, क्यों, हम पानी में चीनी को घोल रहे हैं, इसका मतलब पानी ज्यादा है। ठीक है, तो जो ज्यादा है या जिसके अंदर हम दूसरे पदार्थ को घोल रहे हैं वो हो गया विलायक। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चों विलय, मतलब जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में कम होती है या जिस पदार्थ को हम विलायक में घोलते हैं वही पदार्थ क्या है, विलय। यहाँ पे चीनी का पानी, जब पानी का विलयन बनाया इसमें से चीनी या पानी में से, विलय पदार्थ कौन सा है बच्चों, चीनी हुई ना, क्यों, क्योंकि चीनी को हम पानी में घोल रहे हैं, चीनी को हम काय में घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं, तो चीनी क्या हो गई, चीनी तो आपके विलय हो गई और पानी अपने क्या हो गया, विलायक हो गया। हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, देखो विलयन के, ये चीनी का विलयन है, टिंचर का विलयन है, सोडा कोक का विलयन है और ये वायु का विलयन है। ठीक है, अब देखो चीनी के विलयन के बनाने के लिए हमने पानी में चीनी घोली, ठीक है, तो इसमें विलय क्या हो गया, विलय पदार्थ कौन सा है, चीनी, क्योंकि चीनी को हमने पानी में घोला। ठीक है, टिंचर बनाने के लिए हमने अल्कोहल में आयोडीन घोली, क्या घोली, आयोडीन, तो इसमें विलय कौन सा हो गया, इसमें विलय हो गया आयोडीन। ठीक है, सोडा कोक बनाने के लिए पानी में हमने क्या घोला, CO2 घोली। ठीक है, तो विलय कौन सा हो गया इसमें, CO2। वायु में क्या है, देखो अपनी जो वायु है उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, लगभग 74% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, और बाकी सारी की सारी गैस से लगभग 1% होती है। ठीक है, तो जो ज्यादा मात्रा है ना नाइट्रोजन की वो तो क्या हो गया, विलायक, और ऑक्सीजन की मात्रा कम है इसलिए हम इसको विलय बोल देते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या, इसमें कौन कौन से पदार्थ विलय है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से विलायक है, ठीक है, तो देखो चीनी के विलयन के लिए पानी में चीनी घोली तो ये विलायक हो गया, टिंचर के लिए अल्कोहल में आयोडीन घोली, ज्यादा अल्कोहल है, अल्कोहल में विलय घुल रहा है, विलय क्या है, आयोडीन अल्कोहल में घुल रही है, तो अल्कोहल क्या हो गया, विलायक। जल के अंदर CO2 घोली, जल ज्यादा है, जल में CO2 घुल रही है, तो CO2 विलय है और जल क्या हो गया, विलायक। ऐसे ही यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन विलायक हो गई। ये बात समझ में आ गई क्या बच्चों, अच्छे से। आगे हम बात करते हैं ये जो विलयन है इसके गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला गुण तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो विलयन है वो समांगी मिश्रण होता है, ये विषमांगी नहीं होता। विलयन बनने के बाद हम आंखों से पहचान नहीं सकते इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं, क्लियर। आगे है विलयन के कण छोटे होते हैं, ये तो आपको मालूम ही है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, विलयन के कण भी छोटे होते हैं, हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते, आंखों से नहीं देख सकते तभी तो समांगी मिश्रण है, और समांगी मिश्रण है तभी तो विलयन बना, क्लियर है। ठीक है, अब विलयन के कण इतने छोटे होते हैं तभी तो देख नहीं सकते, और छोटे होने के कारण ही ये कण प्रकाश किरणों को फैलाते नहीं है, प्रकाश किरणों को फैलाते नहीं है, इसलिए हमें उनका मार्ग भी नहीं दिखता है। और इनको अगर हम छाने, जैसे मैंने एक ग्लास पानी के अंदर मैंने चीनी मिक्स कर दी, ठीक है, पानी के अंदर चीनी डाली, तो क्या होगा, अब ये विलयन बनने के बाद मैं इसको छालनी से छानती हूँ तो क्या चीनी ऊपर रह जाएगी, नीचे पानी निकलेगा, या पूरा का पूरा विलयन ही छालनी में से निकल जाएगा, ऊपर चीनी बचेगी क्या, नहीं। इसका मतलब हम इसको छान के पृथक नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं कि मैं छालनी से छानूं पानी अलग हो जाए चीनी अलग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये स्थाई विलयन है, स्थाई का मतलब अब चीनी पानी में मिक्स हो गई ना तो वो हो ही गई है, आप चीनी को अलग थोड़ी निकाल सकते हो छान के, तो कैसा विलयन बना, स्थाई विलयन। आगे हम बात करते हैं बच्चों विलयन के प्रकार की। अब जो विलयन है ये भी दो प्रकार का होता है, सबसे फर्स्ट तो है संतृप्त विलयन और अपने सेकेंड है असंतृप्त विलयन। अब ये दोनों विलयन क्या होते हैं, चलो हम पढ़ते हैं। संतृप्त विलयन तो क्या होता है कि वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुल सकता है,
क्या निश्चित ताप पर और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुल सकता है, नहीं घुल सकता बच्चों, वो तो हो गया संतृप्त विलयन, ठीक है। और जिसमें और अधिक विलय पदार्थ घुल सकता है वो क्या हो गया बच्चों, वो हो गया असंतृप्त विलयन। जैसे मानो कि मैंने यहाँ पे एक चम्मच पानी लिया, ठीक है, मैंने इसमें एक चम्मच चीनी मिक्स की, वो चीनी मिक्स हो गई इसमें। अब बताओ मैं एक चम्मच पानी के अंदर अगर 10 चम्मच चीनी डालूंगी तो क्या घुल पाएगी, वो नहीं घुल पाएगी ना। तो इसी तरीके से कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी एक निश्चित मात्रा ही क्या है, विलायक में घुल सकती है, तो वो विलयन तो क्या हो जाएंगे, असंतृप्त। निश्चित मात्रा घुल सकती वो तो हो जाएंगे असंतृप्त, जिसके निश्चित मात्रा से ज्यादा उसमें नहीं घुल सकता वो हो जाएगा बच्चों संतृप्त। दोनों बातें क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, ठीक है बच्चों। सांद्रता का मतलब है ना, ये होता है कि उसमें कितने अधिक मात्रा में विलय पदार्थ हैं, ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि कितने अधिक मात्रा के अंदर उसके अंदर घोला गया पदार्थ है, ठीक है। जैसे अपन ने बात की कि मैंने एक गिलास दूध लिया और एक गिलास पानी लिया, ठीक है, दोनों एकदम शुद्ध है। अभी जो दूध का गिलास है उसकी सांद्रता बिल्कुल प्योर है, 100% है। जैसे जैसे मैं उसमें पानी डालती जाऊंगी दूध की सांद्रता कम होती जाएगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है दूध में, दूध से ज़्यादा पानी हो गया है। मैं 2 गिलास उसमें पानी डाल दूंगी, इसका मतलब उसमें दूध तो बहुत कम हो गया है, उसकी सांद्रता और कम हो गई है, ठीक है। तो सांद्रता का मतलब क्या हो गया कि विलयन में उपस्थित विलय पदार्थों की मात्रा कितनी है, उनकी मात्रा को हम बच्चों सांद्रता बोलेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सांद्रता निकालने का फॉर्मूला बताओ, तो हम उसके द्रव्यमान प्रतिशत विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। यह फॉर्मूला अपने को याद रखना है, इस फॉर्मूले से हम किसी भी पदार्थ की सांद्रता निकाल सकते हैं। देखो एक एग्जाम्पल है कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, ठीक है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। देखो बच्चों विलयन दिया है हमें और उसके अंदर विलायक कितना है, 320 ग्राम। देखो जो भी विलयन होता है उस विलयन में आपको मालूम है दो चीजें होती है, एक तो होता है विलय पदार्थ, ठीक है, प्लस एक होता है विलायक, ये तो मालूम है ना हमें। अब हमें बोल रहे हैं कि 320 ग्राम तो क्या है, विलायक, विलायक कितना है 320 ग्राम, येलो जी। और अपने पास 40 ग्राम क्या है, साधारण नमक, मतलब इसमें विलय क्या है, नमक है, ये कितना है 40 ग्राम है जी, ये लो बिल्कुल समझ में आ गया। तो विलयन कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 320 और 40 कितने हो गए, विलयन कितना हो गया 360 ग्राम हो गया। अब हमें बोल रहा है कि विलयन की सांद्रता निकालनी है, तो बच्चों अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है सांद्रता का, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 40, तो हम सबसे ऊपर लिख देंगे 40 ग्राम, ठीक है। नीचे लिखेंगे हम विलयन का द्रव्यमान कितना आया, 360 ग्राम इंटू 100, ठीक है। आप इसको कट करोगे तो लगभग 11 पॉइंट करके कुछ आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी पदार्थ की सांद्रता को निकाल सकते हैं। बच्चों आज का अगला पाठ कक्षा 9 में हिंदी विषय में पर्यायवाची शब्द भाग 1। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे साथियों व्यवहारिक व्याकरण। जी हाँ, और व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द। जी हाँ, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, एक एक करके आप निश्चिंत रहिएगा। भाग एक है या आपके सर का नाम है, तो पर्यायवाची शब्दों के बारे में डिटेल से चर्चा करने के लिए आप तैयार हैं, बिल्कुल। पर्यायवाची शब्द होते क्या है, तो वे शब्द जो अर्थ के स्तर पर समान होते हैं, अर्थ के स्तर पर जो समान होते हैं, अर्थ के स्तर पर समान होते हैं, जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। हिंदी में एक ही शब्द का समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों का प्रयोग होता है, उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इन शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि समान ही अर्थ निकलता है। पर्यायवाचक भी कहा जाता है, पर्यायवाची भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द मूल शब्द के लगभग मिलता हुआ अर्थ ही प्रकट करता है। जो मूल शब्द होता है
उससे मिलता जुलता अर्थ ही प्रकट करता है, उससे मूल शब्द का पूर्णतः समान अर्थ प्रकट नहीं होता। हाँ, ये तो सही है कि मूल शब्द का पूर्ण रूप से वो अर्थ तो नहीं आता, लेकिन मिलता जुलता अर्थ प्रकट करता है, तो उसे पर्यायवाची कहा जाता है। समान होने पर भी भाव की दृष्टि से उनमें भिन्नता होती है। हालांकि पर्यायवाची शब्द समान होते हैं, लेकिन भाव की दृष्टि से उनमें भिन्नता होती है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे करना है श्री गणेश करना, श्री गणेश करना, ठीक है, इसके स्थान पर इसका पर्यायवाची कर दूं मैं लंबोदर करना, तो सही हो जाएगा क्या? नहीं। तो मैंने कहा ना, भाव की दृष्टि से ये अलग अलग होते हैं। हालांकि गणेश और लंबोदर एक ही बात है, श्री लंबोदर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन भाव की दृष्टि से ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच की बात आती है, तो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को कहेगी हे राधिका रमण, और मान लीजिए हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है तो अपन क्या बोलेंगे, हे कंस विघातक, ये तो बोलेंगे, हे किसने पर्वत को उठाने वाले, समझ में आ गए। तो जहां जिस शब्द का प्रयोग होना चाहिए उसी का प्रयोग होगा, अन्यथा पर्यायवाची शब्द गलत हो जाएंगे। महत्वपूर्ण पर्यायवाची है जो आज तक परीक्षा में आ चुके हैं। अंग का मतलब होता है शरीर, तन, गात, गात्र, बदन। क्या क्या कह सकते हैं हम लोग? अंग को शरीर भी कह सकते हैं, अंग को तन भी कह सकते हैं, गात भी कह सकते हैं, गात्र भी कह सकते हैं, बदन भी कह सकते हैं। अभिनय, जानते हैं अभिनय का मतलब होता है नाटक करना, इसको कह सकते हैं प्रदर्शन करना, इसको कह सकते हैं दिखावा करना, नाटक कह सकते हैं, और इसको नकल भी कह सकते हैं। अत्याचार, इसको क्या क्या कहेंगे, अनाचार, अन्याय भी कह सकते हैं, जुल्म भी कह सकते हैं, अनीति भी इसका पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं, अत्याचार के अलग अलग अर्थ ये निकल रहे हैं। अध्यापक को क्या क्या कह सकते हैं, गुरु भी कह सकते हैं, आचार्य भी कह सकते हैं, शिक्षक भी कह सकते हैं, उपाध्याय भी कह सकते हैं। अर्थ एक ही है, लेकिन भाव की दृष्टि से थोड़ा सा इनमें भिन्नता देखी जा सकती है। अध्यापक गुरु, आचार्य शिक्षक, उपाध्याय। अनुपम, अनूप, अनूठा, विचित्र, अद्भुत, आदित्य, निराला, अनोखा, ये सब अनुपम की क्या है, पर्यायवाची, समान अर्थ है। बार बार आप रिपीट करेंगे तो याद हो जाएंगे, इतने कोई जटिल भी नहीं है। अन्न का क्या होगा, अनाज, धान्य, सस्य और दाना, ये सब अन्न के पर्यायवाची हैं। अपमान का क्या होगा, अनादर, क्या हो जाएगा, अनादर, अवज्ञा, अवहेलना और निरादर, ये सब अपमान के पर्यायवाची हैं। अप्सरा का क्या क्या होगा, देवांगना, देववधु, स्वर्ग वधु और परी, ये सब अप्सरा को कहा जाता है। अमृत को क्या क्या कहा जाता है, अमृत को कहा जाता है अमी, अमृत को कहा जाता अमीय, अमृत को कहा जाता पीयूष, अमृत को कहा जाता शुदा और अमृत को कहा जाता सोम, ये सब अमृत के ही क्या माने जाते हैं, पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। हाँ, आम का जैसे मैंने बताया ना, ये संस्कृत का रूप हो गया आम्र, रसाल, क्योंकि रस देता आम। सौरभ भी किसको कहा जाता, आम को। सहकार भी आम को कहा जाता, पिक बंधु भी कहा जाता है। इच्छा के क्या क्या पर्यायवाची, क्या क्या कह सकते हैं बताइए, आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, कामना, मनोरथ, ये सब इच्छा को कहा जाता है। इंद्र के क्या क्या पर्यायवाची है, देवराज, पुरंदर, मगवा, सुरपति, सुर यानी देवताओं का पति कौन है, इंद्र, सुर इंद्र, देवताओं के इंद्र कौन है, इंद्र ही है। इंद्राणी का क्या, सची, सतावरी, इंद्रवधु, पुलोजमा। ईश को क्या क्या कहा जाता है, भगवान, ईश्वर, विभु, प्रभु, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, ये सब किसको कहा जाता है, ईश को। उन्नति के क्या क्या पर्यायवाची होंगे, प्रगति, विकास, उत्कर्ष और अभ्युदय शब्द बनाए, अभि प्लस उदय, जी हाँ, अभि प्लस उदय से बना अभ्युदय। उपवन का क्या क्या बनेगा, बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, सब उपवन के क्या माने जाते हैं, पर्यायवाची।
उल्लू का क्या क्या बनेगा, उल्लूक, कौशिक, लक्ष्मीवान, दिनांत, दिन में अंधे हो जाते हैं उल्लू, इसलिए उल्लू को क्या कहा जाता है, दिनांत। ऊंट के क्या क्या बनेंगे, ओष्ट्र, मैंने बताया ये तद्भव तो तत्सम बना लीजिए, वक्र गिरव, यानी जिसकी गर्दन टेढ़ी हो ऊंट को कहा जाता वक्र गिरव, और क्या बना हुआ उधर्वग शल, ये सब ऊंट को कहा जाता है। कपट के पर्यायवाची क्या क्या होगा, छल, धोखा, दगा, वंचना, प्रवंचना, ये सब कपट को कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं धोखेबाज। कपड़े के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, अंबर, चीर, धूकुल, पट, वस्त्र, वसन, परिधान, ये सब कपड़े के पर्यायवाची माने जाते हैं। और कमल के पर्यायवाची में ध्यान दीजिएगा, जहां भी कमल के पर्यायवाची आएंगे ना वहां जय लगेगा, और बादल के पर्यायवाची होता है ना वहां दय लगेगा, और समुद्र के जहां भी पर्यायवाची होंगे ना वहां दी लगेगा। देखिएगा अरविंद क्या कहा जाता है, अरविंद, ये अपवाद हो सकता है, ये कमल का ही होगा। अंबु, अंबु यानी जल में जन्म लेने वाला कमल होता है। सर यानी तालाब में जन्म लेने वाला कमल, नीर यानी पानी में जन्म लेने वाला कमल, वारी का मतलब जल में जन्म लेने वाला, पंख का मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला, और जल में जन्म लेने वाला भी कौन होता है, कमल ही होता है। तो जहां भी जय आता है ज्यादातर वो कमल का पर्यायवाची माना जाता है। कल्प वृक्ष में क्या आएगा, सुरतरु, कल्प तरु, कल्प ध्रुम और पारिजात, ये सब कल्प वृक्ष के पर्यायवाची माने जाते हैं। सब चीजें पढ़ने से आएगी, बिना पढ़ने से कुछ भी संभव नहीं है। कामदेव को क्या क्या कहा जाता है, कंदर्प, अनंग, काम, मदन, मनोज। किनारा को तट, तीर, कूल और पुलन। किरण को मारीचि, रश्मि, मयूक, कर, अंशु। कुत्ता को स्वान, कुखर, ग्राम सिंह, ओहो गांव का सिंह होता है ये, ग्राम सिंह किसको कहा जाता है, कुत्ते को। और सुनक, सुनक भी किसको कहा जाता है, कुत्ते को ही सुनक कहा जाता है। ऐसे आप देखिएगा कर्षण के पर्यायवाची में यदुनंदन, अरे यादों के नंदन थे ना, यशोदा नंदन, नंद कुमार, वासुदेव, मधुसूदन, फिर आप देखिएगा द्वारकाधीश, इनका पर्यायवाची क्या हो सकता है, द्वारकाधीश, इनका पर्यायवाची हो सकता मथुरेश, मथुरा के ईश। कोयल को क्या क्या कहा जाता है, कोकिल, पिक, वसंत दूत, श्यामा, श्यामा इसलिए कहा जाता है चूंकि वो काली है, इसलिए इसका पर्यायवाची क्या है, श्यामा भी है। कौवा को क्या क्या कहा जाता है, काक, वायस, काग, बलिपुष्ट। गंगा को क्या कहा जाता है, भागीरथी, त्रिपतगा, मंदाकिनी, सुरसरी, जाह्नवी। गणेश जी को क्या क्या कहा जाता है, देखिएगा एक दंत, एक ही दांत है गणेश जी के, गणपति, आदमियों में सबसे बड़ा गणेश जी, गजवदन, लंबा उदर, जिनका पेट बहुत लंबा है गणेश जी, विनायक, विनय, विनय का मतलब वंदना, सबसे पहले जिनकी की जाती है गणेश जी की, गजानन, मूषक वाहन, जिसके जो वाहन है ना वो कौन है, चूहे, विघ्न को हरण करने वाले गणेश जी, मंगल करने वाले गणेश जी, गणों के नायक, मनुष्य के नायक भी कौन है, गणेश जी, गौरी के पुत्र भी कौन है, गणेश जी, गजों में राज भी गणेश जी, गिरिजा के नंदन भी कौन है, गणेश जी, गज काय, हाथी जैसा जिनका शरीर है गणेश जी, वक्र तुंड, जिसकी तुंड वक्र यानी ठेढ़ी मेढ़ी हो गणेश जी, मोदक प्रिय, जिनको लड्डू प्रिय है कौन होंगे बताइए, गणेश जी, सब पर्यायवाची गणेश जी के हैं, ये देख लीजिएगा यहाँ। देखिएगा घर का क्या बनेगा, आवास, ये है कुटीर, ग्रह, मैंने बताया था ये तद्भव है तो ये तत्सम संस्कृत का लिख लो, एक निकेतन, सदन, धाम, निले, निले भी किसको कहा जाता है, घर को। गौ का क्या होगा, गाय, धेनु, सुरभि, दो गैद्री यानी जो दूध देती है। चंद्र का क्या क्या पर्यायवाची होगा, इंदु, शशि, सोम, राकेश, सुधाकर और चंद्रमा, ये सब किसके पर्यायवाची है, इंद्र के।
चांदनी में क्या आएगा? चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, शशि प्रभा। चांदी का क्या होगा? रजत, रौप्य, रूपा, रूपक, ये सब चांदी के पर्यायवाची है। प्रश्न उठता है कि इनको कैसे याद करें, साथ ही उनको समझना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, सब चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। जगत का जगती भव विश्व संसार, जल का पानी, नीर, जीवन, वारी, सलील, उदक, अंबु, तोये, तोये भी इसका पर्यायवाची है। जंगल को क्या क्या कह सकते हैं? वन भी कह सकते हैं, कानन भी, विजन भी और विपन भी। तलवार को क्या कहेंगे? असी, कृपाण, करवाल और खड़क, ये सब तलवार के पर्यायवाची हैं। तालाब, बताइए तालाब को क्या कहा जाता है? जलाशय, जिसमें जल रहता है। सर यानी तालाब, सरोवर यानी तालाब, तड़ाग यानी तालाब और ताल यानी भी तालाब ही होता है, ठीक है। तारा का क्या क्या होगा? नक्षत्र, तारक, उड्डू, सितारा। तिरस्कार को क्या क्या बोलेंगे? उपेक्षा, अनादर, अनादर, निंदा और असम्मान, सब तिरस्कार को कहा जाता है। दांत का क्या होगा? दंत, दसन, द्विज और रद। दसन, देखिएगा सामने दस ही दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें दसन भी कहा जाता है। दिवस, वासर, दिवा, वार। देवता का क्या क्या बनेगा? अमर, देव, सूर, विबुद। धन का पर्यायवाची क्या होगा? द्रव्य, वित्त, संपत्ति, संपदा और अर्थ। धनुष का पर्यायवाची चाप, धनु, कोदंड, सरासन, कमान। और नदी का बन जाएगा तटनी, निम्नगा, तरंगिणी, सरीय और सरिता। ये सारे के सारे वो पर्यायवाची है जो आज तक परीक्षा में आ चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। बार 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 रिपीट कीजिएगा, मुझे उम्मीद है ये पर्यायवाची का प्रकरण भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय में ग्रामर, एक्टिव पैसिव वॉइस। बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस, जिसका आज हम पार्ट 1 ले रहे हैं। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। वॉइस का अर्थ यहाँ पर है वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, यानी ये हमारी पहली कंडीशन है कि सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है। सेकेंड कंडीशन है और द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, मोहित राइट्स अ लेटर। यहाँ पर मोहित सब्जेक्ट है, मोहित एक लेटर लिखता है, यानी मोहित परफॉर्म्स द एक्शन। सेकेंड सेंटेंस देखो, अ लेटर इज रिटन बाय मोहित। यहाँ पर अ लेटर सब्जेक्ट है, यह कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, परंतु द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, यानी ये जो सब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है? एक एक्शन को रिसीव करता है। तो यह वाक्य पैसिव वॉइस का हुआ। अब आगे देखते हैं कि वॉइस कितने प्रकार के होती हैं। दो प्रकार के होती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सक्रिय होता है, इट परफॉर्म्स द एक्शन। यहाँ देखो, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट्स, द वर्ब इज सेट टू बी एक्टिव वॉइस। हिंदी में देखो, जब क्रिया का सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे तो एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है। यहाँ देखो, रवि लर्नड अ लेसन। यहाँ पर रवि क्या है? सब्जेक्ट। रवि एक लेसन याद करता था, या रवि ने एक लेसन याद किया। तो ऐसे में रवि क्या है? सब्जेक्ट है और वह एक्टिव है। तो यह वाक्य एक्टिव वॉइस का हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ललिता इज बाइंग अ बैग। इस वाक्य में ललिता सब्जेक्ट है, ठीक है, एंड सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन। तो यह वाक्य भी एक्टिव वॉइस का हुआ। अब समझते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है, इट रिसीव्स द एक्शन।
यहाँ देखो, when the subject of the verb receives the action, the verb is said to be in passive voice. यानी वाक्य में जब सब्जेक्ट स्वयं निष्क्रिय रहता है और वर्ब के अनुसार कार्य किया जाता है तो पैसिव वॉइस होता है. एग्जाम्पल देखो, अ बुक इज परचेस्ड बाय मोहित. यहां पर अ बुक सब्जेक्ट है और अ बुक निष्क्रिय है, ठीक है. इट रिसीव्स द एक्शन. सेकेंड सेंटेंस देखो, अ लेटर वॉज रिटन बाय रवि. ऐसे वाक्य में भी अ लेटर क्या है, सब्जेक्ट, परंतु सब्जेक्ट निष्क्रिय है, ठीक है. यहाँ पर सक्रिय कौन है, रवि, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट. तो यह वाक्य भी पैसिव वॉइस का हुआ. अब हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से जब सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं. पहला चेंज क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, प्रोनाउन भी बदला जाता है और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग होता है. अब यहाँ हम देखते हैं हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. सेंटेंस देखो एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राम किल्स अ स्नेक. अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा, राम यहाँ लिख दिया गया, उसके पहले बाय लगेगा, ठीक है. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा और स्नेक सब्जेक्ट की जगह आ गया. हेल्पिंग वर्ब इज लगाई गई है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी यानी किल्ड. अब हम समझते हैं कि यहाँ हमने इज क्यों लगाया, किल्स, ठीक है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस किस में लगता है, सिंपल प्रेजेंट. और प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हैं, इज, एम, आर. यहां पर सब्जेक्ट अ स्नेक सिंगुलर है इसलिए हमने इज का प्रयोग किया है. आगे देखते हैं स्टेप्स. देखो फर्स्ट स्टेप, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है, पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग किया जाता है, पैसिव में वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और कुछ सब्जेक्ट्स अनइम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, उनका यूज हम पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं, जैसे कि समवन, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, पीपल, ठीक है. एग्जांपल देखो, समवन ब्रोक द विंडो. यहाँ पर समवन क्या है, सब्जेक्ट. तो नियमानुसार तो यह यहाँ आना चाहिए और इसके पहले बाय लगना चाहिए, परंतु हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि यह अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है. नेक्स्ट देखो, यहाँ हमने आपको बताया है कि कैसे हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी. वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, यह एक पॉइंट हुआ. अब बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी लगेगी. बच्चों इसे याद करना बहुत इजी है. देखो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हैं, इज, एम, आर. पास्ट की कौन सी है, वॉज, वर. फ्यूचर में हम विल और शैल के साथ बी का प्रयोग करते हैं. अब यहाँ देखो बहुत ही इजी है, हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स की सिंपल प्रेजेंट में, तो हमने इज, एम, आर का प्रयोग किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है. नेक्स्ट देखो पास्ट, यह सिंपल पास्ट, ठीक है. तो हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर का प्रयोग किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है. ऐसे ही सिंपल फ्यूचर, यहाँ पर विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है. द सेकेंड स्टेप, जब सेंटेंस कॉन्टिन्यूस का हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, इज, एम,
आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया जाता है। तो पैसिव बनाते वक्त बींग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, बींग तो लगेगा परंतु वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। जैसे इज बींग किल्ड, आर बींग किल्ड, एम बींग किल्ड, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। अब पास्ट में देखो, वॉज बींग किल्ड, वर बींग किल्ड। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नेक्स्ट देखो परफेक्ट। परफेक्ट में हम प्रेजेंट में लगाते हैं हैज और हैव, पास्ट में लगाते हैं हैड और फ्यूचर में लगाते हैं विल हैव और शैल हैव। अब यहाँ देखो, जब भी आपको हैज, हैव, हैड या विल हैव और शैल हैव मिलेगा तो आप इसमें बीन और ऐड करेंगे। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ये बात और है कि परफेक्ट टेंस में वैसे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखो, हैज बीन किल्ड, हैव बीन किल्ड, हैड बीन किल्ड, हैड बीन किल्ड, विल हैव बीन किल्ड, शैल हैव बीन किल्ड। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब आगे चलते हैं, देखो पैसिव वॉइस में टू बी का एक रूप प्रयोग में लाया जाता है। इस तरीके से पढ़ने से हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, परंतु आगे देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि लगी हो एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त आप इज, एम, आर का यूज एज एन हेल्पिंग वर्ब करेंगे। ऐसे ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ हो एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त आप वॉज और वर का यूज करेंगे। इज लाइकिंग, आर लाइकिंग, एम लाइकिंग, वॉज लाइकिंग, वर लाइकिंग, ठीक है। तो यह कॉन्टिन्यूस है, इसके साथ हम बींग का प्रयोग करेंगे पैसिव बनाते वक्त। ऐसे ही हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे। इसे आप समझ गए होंगे कि यहाँ हमने टेंसेस लिखे हैं और यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स। अब यहाँ हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस इन द सेंस ऑफ प्रोनाउन। देखो आई, यहाँ हमने लिखा है सब्जेक्टिव केस यानी वाक्य के शुरू में, आप इतना ही समझिए, और ऑब्जेक्टिव केस यानी वाक्य के अंत में। तो आई किस में चेंज हो जाता है? मी में। मी किस में चेंज हो जाता है? अस में। यू, यू ही रहेगा। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा। और इन सब के साथ आप बाय लगाते हैं, ठीक है। वेरी इजी, मुझे उम्मीद है कि आप साथ ही साथ नोट डाउन करते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, वी लाइक्ड हिम, ये एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। ये सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अभी हमने कहा कि हम ही का, यहां देखो ये ही, इसका हमने हिम किया बाय के साथ लगाते वक्त। अब फिर से सेंटेंस देखते हैं, यहां देखो हिम, अब ये ऑब्जेक्ट की जगह है, इसे सब्जेक्ट की जगह लाना है तो क्या हो जाएगा? ही, ठीक है। किल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म होने से सिंपल पास्ट, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग सकती है? वॉज या वर। ही इज लाइक्ड बाय अस, यहां पर इसका प्रयोग नहीं होगा, यहां पर ही वॉज लाइक्ड बाय अस। अब बात आती है इस वी की। वी फिर से यहां देखो, वी इसका क्या बन गया है? अस, ठीक है। तो बाय के साथ हम क्या लगाएंगे? अस। अब यहां फिर से देखो, वी का हमने क्या किया है? अस, बाय अस। वेरी इजी। तो एक्टिव वॉइस में है वी लाइक्ड हिम, और पैसिव वॉइस में हो गया ही वॉज लाइक्ड बाय
us. Next देखो, change into passive voice, simple assertive sentences. अब यहाँ समझना how to identify subject in a sentence, क्योंकि यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि subject क्या होता है. बच्चों सेंटेंस में वर्ब से पहले जो लगाया जाता है वह सब्जेक्ट होता है. इट कम्स बिफोर वर्ब इन अ सेंटेंस. सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ सब्जेक्ट. नेक्स्ट देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब हमने पूर्व में टेंसेस को अच्छे से पढ़ लिया है, आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा. देखो, राम राइट अ लेटर, यह होगा राम राइट्स अ लेटर, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब में एस और ई एस लगाया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. अब पता चल गया कि सेंटेंस किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का. ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट. अब रूल अप्लाई करें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, उससे पहले बाय का प्रयोग होगा. वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा. अब क्वेश्चन है इस हेल्पिंग वर्ब इज का, राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यानी सिंपल प्रेजेंट. प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर. अ लेटर सिंगुलर है इसलिए इज लगाया गया है, वेरी इजी. नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. आप चाहें तो इसे टेंस के स्वरूप में पढ़ सकते हैं, और चाहें तो जैसे हमने आपको शुरू में बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इज एम आर लगा दीजिए, सेकंड फॉर्म लगी है तो वॉज वर्ब लगा दीजिए, आई एन जी वाला फॉर्म है तो बींग लगा दीजिए, हैज़ हैव हैड विल हैव शैल हैव है तो बीन का प्रयोग कर दीजिए, मॉडल्स है तो बी लगा दीजिए, ठीक है. ऐसे भी याद कर सकते हैं जो आपको इजी लगे. यहाँ देखो, राम इज राइटिंग अ लेटर. राम क्या है, सब्जेक्ट. इज राइटिंग क्या है, वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट. देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, उससे पहले बाय का प्रयोग हुआ है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह. इज ऐसे कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि इज राइटिंग आई एन जी फॉर्म है तो बींग का प्रयोग होगा, ये एक बात है, परंतु वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट रोट एंड थर्ड फॉर्म इज रिटन. तो यहां पर थर्ड फॉर्म लगाई गई है. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैज और हैव का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है. पैसिव वॉइस बनाते वक्त हैज और हैव के साथ क्या लगाएंगे, बीन. अब देखो, राम सब्जेक्ट है, हैज रिटन वर्ब, अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह गया, उसके पहले बाय लगाया गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, और हैज रिटन, हैज रिटन ऐसा कैसा लिखा गया, और हैज के साथ बीन का प्रयोग किया गया, वेरी इजी. बच्चों यदि यहाँ पर राम हैज रिटन लेटर्स होता तो हम क्या करते, यानी इस अ लेटर की जगह मान लीजिए लेटर्स होता, तो यहाँ पर भी लेटर्स हो जाता तो हम यहाँ पर हैव लिखते, इस बात को ध्यान रखना. नेक्स्ट देखो, सिंपल पास्ट टेंस. राम रोट अ लेटर. सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है. देखो, रोट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, राम क्या है, सब्जेक्ट, और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, उससे पहले बाय का प्रयोग हुआ है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, वर्ब की
थर्ड फॉर्म, यहाँ तक ओके। अब बात आती है इस वॉज की। हमने कहा था कि यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस हो गया, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स वॉज या वर। अब अ लेटर सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या लगता है? वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। और जब आई एन जी फॉर्म एक्टिव वॉइस में होती है तो हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त बींग का प्रयोग करते हैं। देखो, राम वॉज राइटिंग अ लेटर। बच्चों यदि कंफ्यूज नहीं होना है तो इस वर्ब के यहाँ पर आप लिख सकते हैं बींग और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन। अब हम सेंटेंस कर लेते हैं। देखो, राम क्या है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह गया, उससे पहले बाय लगा दिया, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह आ गया, वॉज बींग रिटन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जहां पर हैड लगता है तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम बीन का प्रयोग करते हैं। राम हैड रिटर्न अ लेटर। तो अब हमें समझ में आ गया कि यह वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है तो रिटर्न ही कॉपी होगा, हैड ऐसे कैसे कॉपी होगा और बीच में बीन का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, उससे पहले बाय का प्रयोग, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। नेक्स्ट देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस या एक्शन या वर्ब। राम विल राइट अ लेटर। तो अब राम क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसकी जगह गया? ऑब्जेक्ट की जगह, और उससे पहले बाय का प्रयोग किया गया है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, अ लेटर। विल के साथ बी लगा दिया गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी गई है। नेक्स्ट देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सेंटेंस को देखो, राम विल हैव रिटर्न अ लेटर। तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। विल हैव के साथ बीन लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ कॉपी हो गई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा और उसके पहले बाय का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी हमने पहले भी किया, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डू फॉर्म की। राम डज नॉट राइट अ लेटर। तो इस डज से सिर्फ यही समझा जाता है कि वाक्य प्रेजेंट का है। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी लगेंगी? इज, एम, आर, ठीक है। अब सेंटेंस एज इट इज रहेगा। देखो, राम यहाँ गया, बाय राम, अ लेटर इधर आ गया, ठीक है। अब मुझे हेल्पिंग वर्ब अ लेटर के साथ इज लगानी पड़ेगी, नॉट एज इट इज कॉपी होगा, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। तो सेंटेंस क्या हो गया? अ लेटर इज नॉट रिटन बाय राम। तो यदि आपको डज नॉट मिले तो घबराना नहीं है। नेक्स्ट देखो, सिंपल पास्ट टेंस। इसका भी हम डू फॉर्म कर रहे हैं जो कि है डिड। राम डिड नॉट राइट अ लेटर। राम सब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट की जगह गया, बाय राम, यह ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह आ गया, अ लेटर। डिड पास्ट का हुआ, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स वॉज और वर। अ लेटर सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाया गया, नॉट एज इट इज कॉपी हुआ, राइट, ठीक है, उसकी जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई। अब यहाँ आपको ये पता चल गया कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम सिर्फ डिड से ये पता लगाते हैं कि यह वाक्य पास्ट का है। नेक्स्ट देखो, गोइंग टू। इस तरह की फ्रेज भी आती है, उसके साथ हम बी का प्रयोग करते हैं।
सेंटेंस देखो, राम इज गोइंग टू राइट अ लेटर. अब यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है और वह बीइंग लगा देते हैं. परंतु अब आपको ध्यान रखना है, गोइंग टू राइट अ लेटर, तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टू के बाद बी लगाया जाता है, ठीक है. और यदि गोइंग टू लिखा है तो उसके बाद में भी बी का प्रयोग होता है. कैसे? राम इज गोइंग टू राइट अ लेटर. अ लेटर यहाँ कॉपी हुआ, राम यहाँ गया, उसके पहले हमने बाय का प्रयोग किया. राइट वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म में चेंज किया, रिटर्न. अब ये फ्रेज इज गोइंग टू, इज गोइंग टू एज इट इज कॉपी हो गई और उसके बाद बी लगाया गया है. अब क्वेश्चन उठता है कि हमने इस गोइंग को वर्ब क्यों नहीं माना. बच्चों यह एक सिस्टम है कि हम गोइंग टू का प्रयोग एक साथ करते हैं और उसके बाद वर्ब आती है. तो जब वर्ब बाद में आ रही है तो इस गोइंग टू के बाद हम बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखो मॉडल्स. आप देखोगे कि जितने भी मॉडल्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, मस्ट, ठीक है, इन सब के बाद हम बी का प्रयोग करते हैं. देखो राम कैन राइट अ लेटर, रूल्स बाकी के एज इट इज हैं. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में उसके पहले बाय का प्रयोग, राइट का हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है. कैन क्या है? मॉडल. तो इसके बाद बी का प्रयोग होगा. अ लेटर कैन बी रिटर्न बाय राम. नेक्स्ट देखो, राम मे राइट अ लेटर. तो यहाँ मॉडल देखकर मुझे बी लगा लेना चाहिए, अब सेंटेंस को करना चाहिए ताकि मिस्टेक्स कम हो. राम यहाँ चला गया और उसके पहले बाय का प्रयोग. अ लेटर सब्जेक्ट की जगह आ गया, मे एज इट इज कॉपी होगा, बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी. नेक्स्ट देखो, राम माइट राइट अ लेटर. राम ऑब्जेक्ट की जगह, उसके पहले बाय का प्रयोग हुआ है. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, उसके साथ माइट एज इट इज कॉपी हुआ, ठीक है. उसके बाद बी का प्रयोग होगा, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न. तो सेंटेंस क्या हुआ? अ लेटर माइट बी रिटर्न बाय राम. नेक्स्ट देखो, राम विल राइट अ लेटर. अब विल क्या है? मॉडल. तो क्या लग जाएगा? बी. अभी हमने इस तरह का वाक्य सिंपल फ्यूचर में भी पढ़ा है, वहां पर भी विल और शैल के बाद बी का प्रयोग किया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. राम विल राइट अ लेटर. अ लेटर यहां आ गया, राम यहां चला गया, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, देन विल बी. तो अ लेटर विल बी रिटर्न बाय राम. राम वुड राइट अ लेटर. तो यहां पर अ लेटर इधर आ गया, राम ऑब्जेक्ट की जगह, उससे पहले बाय का प्रयोग, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, वुड क्योंकि एक मॉडल है, इसके बाद बी का प्रयोग होगा, तो वुड बी, ठीक है. नेक्स्ट देखो, राम शैल राइट अ लेटर. अब शैल राइट देखते ही मुझे पता है कि यहाँ पे बी लगाना है. अ लेटर शैल बी रिटर्न बाय राम. राम यहाँ गया, बाय का प्रयोग लगा, अ लेटर सब्जेक्ट की जगह आ गया, शैल बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म. राम शुड राइट अ लेटर. अ लेटर अगेन इधर, राम इधर, उसके पहले बाय का प्रयोग, शुड के साथ बी का प्रयोग होगा, शुड बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ठीक है. राम मस्ट राइट अ लेटर. तो यहाँ पर भी देखो कि यह सब्जेक्ट है, यह मॉडल प्लस वर्ब, ठीक है.
तो इसके बीच में बी का प्रयोग होगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल, ये वर्ब, देन दिस इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है। देन मस्ट बी रिटर्न, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। नेक्स्ट देखो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे गोइंग टू का स्ट्रक्चर था, ऐसे ही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो इसके बीच में बी का प्रयोग होता है। देखो, राम इज टू इनवाइट मी, इस तरह के वाक्य में आपको यह ट्रेस करना होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बीच में बी का प्रयोग होगा। मी, आपको ध्यान होगा मी किस में बदलेगा, आई में, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। अब यहां देखना, ये जो इस था इसको मैंने एम में कन्वर्ट किया है क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। देन टू बी इनवाइटेड, टू के बाद बी लगाया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। राम से पहले बाई का प्रयोग किया गया है और उसे ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया गया है। नेक्स्ट देखो, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन की प्लेस फिक्स होती है, कैसे, अ ट्रक रैन ओवर राम। यहां पर अ ट्रक क्या है, सब्जेक्ट, रैन क्या है, वर्ब, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी लगेंगी, वॉज या वर, ठीक है। ओवर क्या है, ये प्रेपोजिशन, ठीक है, और राम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, उससे पहले बाय का प्रयोग होगा, यहां तक ठीक है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, ठीक है। रेन, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, राम क्या है, सिंगुलर, तो वॉज या वर में से हम वॉज लगाएंगे, यहां तक भी ठीक है। रेन की थर्ड फॉर्म रन, क्योंकि ये होता है रन, रेन एंड रन, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म रन। बच्चों, जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि प्रेपोजिशन की प्लेस चेंज नहीं होती है और यह एज इट इज कॉपी किया जाता है। तो अब सेंटेंस हो गया, राम वॉज रन ओवर बाय अ ट्रक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट वन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारे रूल्स आपने नोट डाउन करे होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट टू लेंगे, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, गुड बाय। बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा 9 में विज्ञान विषय में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, भाग एक, हिंदी विषय में पर्यायवाची शब्द, भाग एक, व कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय में ग्रामर, एक्टिव पैसिव वॉइस। बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में अंग्रेजी विषय में बुक बी हाइव में द फन दे हैड, भाग एक और भाग दो, व कक्षा 10 में गणित विषय में बहुपद, भाग दो। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान, तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पिरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपना सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या किसी भी तरह की कोई शंका है आपको, तो हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का एड्रेस है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर, 313001।